में भी कंट्रोल होते हैं ना, एबीसी कंट्रोल, एबीसी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको, एक्सीलेटर ब्रेक क्लच, उल्टे साइड से, उर्दू वाली लैंग्वेज में उल्टे से जाएंगे ना, एक्सीलेटर ब्रेक क्लच, ठीक है। ये कैसे चेक करोगे भाई? चेक तो अभी डेली चेक पॉइंट है, चेक तो करना है मेरे को गाड़ी में, मेरे ये तीनों पेडल्स भी प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं, कैसे चेक करोगे तो बताएगा? हाँ तो कैसे कैसे पता? सेल्फ मारने के बाद तो मालूम पड़ता है। हाँ सेल्फ मारने के बाद मालूम पड़ता है कि ब्रेक हार्ड हो रहा है कि नहीं। हाँ लेकिन तो मतलब देखो क्या है ना, नहीं अभी अपन गाड़ी चालू ही नहीं की है यार, अभी तो हम गाड़ी खड़ी पे ही बात कर रहे हैं, चाबी तो लगा ही नहीं है। बंद गाड़ी में भी ब्रेक लगा रहेगा। हाँ देखो ये आप कुछ भी चीज में आप जरा सा भी डिफरेंस कैसे पता कर पाओगे जब आप उसको रोज कर रहे हो, डेली बेसिस पे कर रहे हो, इसीलिए इसको बोलते हैं डेली चेकअप पॉइंट्स है, प्री चेकअप, डेली चेक, रोज चेक, कुछ चीज को रोज आप इस्तेमाल कर रहे हो। सपोज ये मैं डेली इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं दबा रहा हूँ चेंज हो रहा है, दबा रहा हूँ चेंज हो रहा है ना, अब कभी थोड़ा सा अगर मैं रोज इस्तेमाल नहीं करूँगा हो सकता है, तो इसमें जरा सा भी डेली कुछ भी चीज चेक कर रहे हो, जैसे अभी ब्रेक, ब्रेक आप रोज खड़ी गाड़ी में भी चेक कर रहे हैं क्योंकि आपको डेली चेकअप पॉइंट्स कवर करने हैं, दबा रहे हो तो उसको आपको मालूम है कि कितने प्रेशर से वापस आ रहा है, कितने प्रेशर, अगर कुछ भी प्रेशर में चेंजेस होगा, कम ज़्यादा होगा, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप रोज को, आपको पता है रोज में कितने प्रेशर से आता है, और आज थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मामला, तो इसको भी डेली आपको चेक करना है खड़ी गाड़ी में। चला के चेक करोगे यार ब्रेक फेल निकला तो क्या कर लेंगे अपन, चला के ही अगर चेक करना है तो रिस्क हो जाएगा ना, तो पहले तो इसके लिए पहले खड़ी गाड़ी में हम बात कर रहे हैं सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आता है स्टेयरिंग व्हील, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कैसे पकड़ते हैं भाई स्टेयरिंग व्हील, कोई बताएगा कैसे पकड़ते हैं? अरे ऐसे नहीं, खड़े हो जाओ बताओ। मैं एक हाथ, एक हाथ से पकड़ता हूँ। एक हाथ से क्या पकड़ते हो? वो अपना है ना गुटली, वो आती जो भुगने वाली मुट्टू, काम करते समय टाइपिंग करते समय हाथ से। और कैसे पकड़ते हैं भाई कोई, आप कैसे पकड़ते हो? सही तरीका क्या है पकड़ने का? पीछे बता रहा भाई साहब, एक तरीका ये है, इसको बोलते हैं अपन क्वार्टर टू थ्री पोजीशन, तीन बजने को 15 मिनट रहते हैं, है ना। वो एक घड़ी कैसी होती है? गोल, गोल होती है, घड़ी में नंबर होते हैं, 3 बजे ये पकड़ लिया, 9 बजे ये पकड़ लिया, घड़ी का कांटा ऐसा गया ना, तो ये 3 बजे पकड़ लिया, ये 9 बजे पकड़ लिया, अंगूठा बाहर, अंगूठा ऐसा लपेट के अंदर नहीं, अंगूठा बाहर, कारण बताऊंगा उसका, अंगूठा बाहर। दूसरा क्या पोजीशन है? सेकंड पोजीशन भी है, दूसरी क्या पोजीशन होती है स्टीयरिंग व्हील पकड़ने की? बीच में से हाथ, अरे स्टीयरिंग पकड़ने का बता रहे हैं, हाँ पकड़ लेंगे, ग्रिप, ग्रिप, क्या किसी को ड्राइविंग आती है? नहीं है क्या? मतलब साथ एक दो जने बताएंगे, बाकी कोई बताएगा नहीं क्या? खाली सब जने मुंह बधिर होकर बैठे हैं, जिसको बताओ अपना अपना तरीका बता यार, अपना कैसे कैसे पकड़ते हो बता। नहीं नहीं गलत 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 तो गलत, कैसे पकड़ते हैं स्टीयरिंग व्हील आप? से बाकी देखो से, हाँ, और दूसरा तरीका, एक तो ये तरीका सही है जो आपने बताया, एक तरीका, और मैं तो सर एक ही आपसे चलाता हूँ, और दूसरा 2 बजने को 10 मिनट घड़ी का कांटा कैसा रहता है? 2 को 10 का। एक ये और एक ये, दो ही तरीके हैं शरीर पकड़ने के, तीसरा कोई तरीका है ही नहीं, वो तो हमने बना लिए अपने अपने तरीके, एक हाथ से चलाना, ऐसे चलाना, ऐसे चलाना, वो सारे हमारे तरीके हैं जो कि डेंजरस है, खतरनाक तरीके हैं, वो चलान नहीं ऐसे गाड़ी में। सर एक बात और, एक बात से स्टीयरिंग ड्राइविंग कर रहे हैं, अचानक हम गाड़ी मोड़ना चाह रहे तो हाथ बच जाते हैं, बताऊंगा आपको, उसका पकड़ने के तरीके, अंगूठे बाहर क्यों पकड़े? अंगूठे हॉर्न के लिए, हाँ हॉर्न के लिए भी हो सकते हैं, और स्टीयरिंग में बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं उसको ऑपरेट करने के लिए भी हो सकते हैं, बट ये सेफ्टी के लिए भी है। सेफ्टी के लिए कैसे? स्टीयरिंग घूमेगा नहीं तो, हाँ टाइट पकड़ लेंगे, ग्रिप हो जाएगा तो स्टीयरिंग पे अपनी ग्रिप बहुत हार्ड हो जाएगी, उसके बाद मोड़ने में फिर वही जो आप बताया ना अभी तरीका ऐसा, तो अपने को ग्रिप टाइट नहीं करने, स्लाइड करने चाहिए हाथ, हाथ घूमने चाहिए, सबको पकड़ने का एक ही तरीका, नहीं
हर गाड़ी का स्टीयरिंग अलग अलग हाँ गोली होते है ना गोल अरे स्टीयरिंग अलग अलग नहीं होती स्टीयरिंग एक ही रहते हैं स्टीयरिंग सही एक ही रहता है फोर व्हीलर का स्टीयरिंग चलाने में जो आप बता रहे हैं स्टीयरिंग सीधा चलते हैं और जैसे बड़ी गाड़ी के हो गया उसको पीछे भी देखना है हाथ से देखना हो तो एक ही हाथ से करेगा गियर पर रखता है नहीं रहना है वही तो बता रहा हूँ तुम समझ नहीं रहे हो बात अरे जो अच्छा जो कोई गलत काम करता है उसको देख के अपन सही तो नहीं बोल सकते कि भाई रखना ही पड़ेगा अगर भैया बनाया नहीं गया उसके लिए सही तरीके मैं आपको बता रहा हूँ लोग करते बहुत कुछ काम है जो कि सब गलत होते हैं डेंजरस हो सकते हैं खतरनाक हो सकते हैं वो करते लोग हैं अब लोगों को क्या और क्यों करते हैं शायद उनको पता नहीं होगा पॉइंट नंबर वन जानकारी नहीं अभी बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे ना आपको इसलिए आपको मैं खास बता दूँ बहुत सारी चीज़ होती है जो हमको पता नहीं होता कि हमको पता नहीं समझे मेरी बात कोई चीज आपको जानकारी नहीं है सपोज लेकिन आपको इस चीज की भी जानकारी नहीं है कि वो चीज आपको पता ही नहीं अब मुझे मालूम होगा कि मेरे को एक चीज की जानकारी नहीं तो हो सकता मैं सीख लूं लेकिन मुझे पता ही नहीं है उस चीज की जानकारी कि मेरे को इस चीज की जानकारी है ही नहीं तो ये ऐसे लोग यूज करते हैं वो कंपनी ने नहीं बोला या सेफ्टी या मैन्युफैक्चरर ने नहीं बताया या सेफ्टी जो इंस्टीट्यूट उसने नहीं बताया जो सही तरीका वो मैं आपको बता रहा हूँ लोग भले कैसे इस्तेमाल करेंगे आगे देखेंगे एक तरीका ये दूसरा तरीका ये अंगूठा बाहर सेफ्टी फीचर कैसे आपकी गाड़ी में कार की बात कर रहे हैं अपन फ्रंट ड्राइवर सीट में एयरबैग कहाँ होता है स्टीयरिंग में बीच में होता है हाँ बाजू वाले नहीं मैं अपन ड्राइवर की बात कर रहा हूँ कहाँ होता स्टीयरिंग पे होता है एयरबैग के निकलने की स्पीड पता है आपको जब वो बाहर आता है कितनी स्पीड होती है उसकी जब फूलता है वो एक्सीडेंट के टाइम पे तो कितनी स्पीड होती है एक बंदूक की गोली की स्पीड मालूम है कितनी होती है बंदूक से गोली निकलती है उसकी स्पीड पता है कितनी होती है उसके बराबर उसकी फूलने की स्पीड होती है एयरबैग की आपकी और उसके बीच में आपने ऐसा अंगूठा पकड़ा अंगूठा आया क्या होगा अंगूठा भी चला जाएगा तो गोली को आप हाथ से रोक लोगे कि गोली की नली पे आप बंदूक की नली पे हाथ रख दिए गोली रुकेगी गोली थोड़ी रुकेगी ठीक है तो आपका अंगूठा भी साथ में निकल जाएगा तो एयरबैग को डिजाइन इस प्रकार से किया अब आप सोचोगे कि भैया ये तो बुरा बड़े बुलेट की गोली से निकलता है एयरबैग तो हमारा मुंह तो चकनाचूर हो जाएगा जब मुंह तो उस पे ही लगता है ना हमारा जाके सेफ्टी के लिए डिजाइन उसको इस प्रकार किया गया उसका टाइमिंग इस प्रकार सेट किया कि टकराते समय हमारा जब वो फूस होने लगता है ना वहाँ पर वो फूल के तुरंत फूस होता है जब वो फूस होने लगता है तब हमारा फेस जाके उस पे लगता है फूलते टाइम नहीं लगता फूलते टाइम लगेगा तो ये फट जाएगा पूरा मुंह अपना वो फुस हो जैसी होता है तब और ये बड़ा कुछ मिली सेकेंड्स में होता है ये काम मिली सेकेंड बोलते हैं माइनर नहीं ठीक है तो मिली सेकेंड्स में हो जाता है ये काम तो अपने को पता भी नहीं चलता है तो इसीलिए अंगूठा अपने को हमेशा बाहर रखना है ग्रिप नहीं बनानी है तीसरा हैंड ब्रेक बड़ा सरल है बच्चों वाला सवाल कर रहा हूँ मैं भी ना हैंड ब्रेक कैसे इस्तेमाल करते हैं कौन बताएगा भैया चलो भाई साहब ये भाई साहब बताओ हैंड ब्रेक कैसे इस्तेमाल किया जाता है खड़े होकर बताइए नहीं आपको नहीं आपके सामने आ जोर से बोलो हैंड ब्रेक कैसे इस्तेमाल करते हैं खाता है गाड़ी आगे पीछे किस टाइम यूज करते हैं पूछ नहीं कैसे किस टाइम नहीं कैसे अगर हैंड ब्रेक मुझे लगा ले तो कैसे लगाऊंगा दबा करके उठाता हूं क्या दबाना है जो उसमें लॉक है ना अपन कार की बात कर रहे हैं कार अपन दूसरी कोई गाड़ी की बात नहीं कर रहे हैं लाइट मोटर व्हीकल की ट्रेनिंग है लाइट मोटर व्हीकल में हम बात करेंगे जैसे ये हैंडल बना हुआ है वो बटन बनी हुई है अपन उसे पकड़ेंगे और उसे प्रेस करेंगे गलत लगा पापा जी आप बता दो लगाने के समय उसको प्रेस
शाबाश शाबाश शाबाश, लगाने के साथ समय उसको दबाने के खींचना नहीं है, आवाज आनी चाहिए कैसी, वो आवाज आनी बहुत जरूरी है ना, वैसे लगेगा हैंड ब्रेक पूरा ऊपर तक, ठीक है। अब निकालना कैसे, रिलीज कैसे करना उसको बताओ भाई, प्रेस करके प्रेस करके पहले खींचना है ऊपर फिर प्रेस करना, पहले खींचना है नहीं तो दबेगा ही नहीं बटन, पहले थोड़ा सा खींचना है दबाना है निकालना, थोड़ा सा आसान है ना, सबको पता था, पता तो सबको था, बोला नहीं बात अलग है, किसी ने बताया नहीं मुझको, लेकिन पता सब रोज ही तो लगाते हैं हैंड ब्रेक, यार हैंड ब्रेक नहीं मालूम ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब मेरा प्रश्न इसमें ये है कि हैंड ब्रेक लगाना कब कब है, पार्किंग न्यूट्रल, पार्किंग में न्यूट्रल, जब न्यूट्रल है तभी लगाएगा, न्यूट्रल मतलब समझा नहीं, गाड़ी में बैठ जाओ, हां बोलो भाई कब कब लगाना हेलमेट का इस्तेमाल कब कब करना चाहिए, मेरा प्रश्न ये है। चलाने गाड़ी खड़ा किया, हाँ वो तो करना ही करना है, पार्किंग में करना ही करना है, इसके अलावा और कोई दरान पार्किंग हो गया, इसके अलावा किसी को पास कोई दूसरा पॉइंट है, जिसको आता है बताओ, खड़े हो जाओ, भी हम अपनी गाड़ी खड़ी कर रहे हैं तो बड़ा सरल शब्दों में मैं आपको समझा देता हूँ, जब भी आपकी गाड़ी रुकी भले कुछ सेकंड्स के लिए रुकी वहां हैंड ब्रेक लगेगा। अब आप ये मत बोलना मेरे को कि नहीं यहाँ तो लोग ऐसे लगाते हैं, लोग सब गलत करते हैं, जो मैं बता रहा हूँ वो सही तरीका है, कंपलसरी यूज, जहाँ भी गाड़ी भले कुछ सेकंड्स के लिए भी आपने गाड़ी खड़ी की, आदत ही होनी चाहिए कर खींचने की। अब वो बोलो क्यों, क्यों कोई भी आगे ठोक देगा हैंड ब्रेक लगा, नहीं नहीं गाड़ी आगे ना जावे, हाँ आगे क्यों जाएगी, देखो क्या होता है, हमको नहीं पता कि जिस रोड पे हम खड़े हैं या जिस सरफेस पे हम खड़े हैं वो फ्लैट है कि नहीं, रोड कभी भी फ्लैट कई जगह होती है, कई जगह थोड़ी सी ऐसी रहती है, कई जगह ऐसी रहती है, वो आपको दिखता थोड़ी, समझ में थोड़ी आता, लेकिन कभी और नोटिस भी किया होगा आपने कई बार, मैं तो नोटिस किया है, मैं इसके लिए बता रहा हूँ, गाड़ी खड़ी है रोड पे, सिग्नल लग गया समझो गाड़ी जा रहा है, अपना अगली गाड़ी खड़ी है ना, आप सिग्नल थोड़ा लंबा चल गया 60 सेकंड का चल रहा है, अब आदमी ने हैंड ब्रेक नहीं लगाया हुआ तो क्या होता है ना, फुट ब्रेक पे पैर रखा हुआ है, पैर दबाया हुआ है, अब 60 सेकंड तक वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा, अब गाड़ी खड़ी है ट्रैफिक जाम रहा तो इधर उधर नजर जाती है इंसान की, माइंड डाइवर्ट हो जाता है ना, इधर देख रहा है ये देख रहा है, सिग्नल अभी बहुत टाइम चल रहा है, तो धीरे धीरे अनजाने में फुट ब्रेक का प्रेशर रिलीज होते जाता है ना, होता है ना फुट ब्रेक का प्रेशर, और गाड़ी अगर वो ढलन आगे की तरफ है तो आगे की तरफ जाने लगेगी, पीछे की तरफ से तो पीछे की तरफ जाने लगेगी, और यहाँ तो ट्रैफिक सिग्नल पे कैसी गाड़ियाँ खड़ी होती है, बम्पर टू बम्पर एकदम चिपक चिपक के, है ना, देखा होगा ना चिपक चिपक के, और कई बार ये भी नोटिस किया होगा सामने वाली गाड़ी जैसे सिग्नल छूटता है थोड़ा पीछे आएगी और फिर आगे जाएगी, देखा स्टार्ट करेगा ना तो थोड़ा सा आएगा ऐसा और फिर वो आगे जाता है, क्यों, क्योंकि उसने हैंड ब्रेक नहीं लगाया होता, ठीक है ना, तो ये उसमें है ना, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो हाँ जब भी आपकी गाड़ी रुकेगी भले कुछ सेकंड्स के लिए हैंड ब्रेक वहां लगेगा, क्योंकि आपको नहीं मालूम सर्विस फ्लैट है कि नहीं, इसके लिए सेफ्टी के लिए हैंड ब्रेक लगेगा, ठीक है ना, और वो गाड़ी पीछे क्यों आती है, सामने वाली गाड़ी पीछे क्यों आती है, भाई साहब इधर ध्यान दो, है ना, क्या हैंड पीछे क्यों आती है, नहीं हैंड ब्रेक लगाई हो तो क्या करते थे मालूम है, लोग हैंड ब्रेक पहले निकाल देते हैं उसके बाद गियर लगाते हैं, जबकि करना क्या चाहिए, पहले फर्स्ट गियर जाएगा बाय द हाफ क्लच, जिसको
लैंग्वेज में पार्किंग पॉइंट बोलते हैं हाफ क्लच, लेकिन सबको समझ में आता है हाफ क्लच आ गया, हाफ क्लच आ गया, हैंड ब्रेक लगा हुआ है तो गाड़ी आपकी आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएगी। और जैसे ही आपको समझ में आया कि गाड़ी आगे बढ़ने को तैयार है उस वक्त आपको हैंड ब्रेक छोड़ना, तो गाड़ी एक इंच भी पीछे नहीं आती। ठीक है, तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखना भाई, चाय तो पी लो, ध्यान याद हो ना कहाँ खुशी खुशी चल रही। ठीक है, और ये सारे अंदर के लास्ट पॉइंट है, ये अंदर के डैशबोर्ड में सारी लाइट है, सारी लाइटें क्या होनी चाहिए, सारी लाइटें आनी चाहिए, आनी चाहिए। जैसी आपने बैटरी लाइट, एसी लाइट, जैसी आपने चाबी चालू किया सारी लाइट ऑन होनी चाहिए, गायब होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। ठीक है, जो लाइट चालू रह गई, जो लाइट चालू रह गई समझ लेना उसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, सुनो ध्यान इसमें दो, और उसके बाद कागज पत्तर डॉक्यूमेंट्स पे हमेशा ध्यान रखना। हम फोर व्हीलर की बात कर रहे हैं, वापस मैं बता रहा हूँ, फोर व्हीलर को कंसेप्ट दिमाग में रखते हुए ट्रेनिंग कर रहे हैं। भले आप अलग अलग गाड़ियाँ चलाते होंगे सब में, लेकिन कागज पत्तर तो आपको पता होंगे ना, सभी अपने अपनी गाड़ियों में कौन से लगते हैं। अब फोर व्हीलर में लगता है POC, जो कितना महीने तक वैलिड रहता है, छह महीने के वैलिड रहता है। तो POC आपकी गाड़ी में होना चाहिए, और एक क्वालिटी ऑफ ए गुड ड्राइवर है कि मुझे मालूम होना चाहिए मेरा POC कब एक्सपायर हो रहा है। अगर मैं कंटिन्यूस वो गाड़ी चला रहा हूँ, तो यदि कोई नई गाड़ी हाथ में लिया तो मेरा फर्ज है पहले मैं डॉक्यूमेंट चेक करूँ, उसकी एक्सपायरी डेट चेक करूँ। दूसरा होता है RC बुक, तीसरा होता है लाइसेंस, चौथा होता है इंश्योरेंस। ठीक है, ये आपकी गाड़ी में हमेशा होना ही चाहिए, और इसकी एक्सपायरी डेट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इंश्योरेंस कौन कौन सा होता है कौन बताएगा? ठीक है, तो सबसे बेस्ट इंश्योरेंस कौन सा है इसमें? फर्स्ट पार्टी कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस सबसे अच्छा इंश्योरेंस है, थोड़ा महंगा आता है लेकिन हमको क्लेम में प्रॉब्लम नहीं आती है, क्लेम हमको अच्छे से पूरा मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारी कागज आपके गाड़ी में होने चाहिए। तो ये हो गया हमारा प्री ड्राइव।